मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 10.7 एक्सरसाइज के लिए एग्जाम्पल कर रहे थे और 10.7 एक्सरसाइज के लिए एग्जाम्पल में बच्चों ये है कि इसमें पैरामीट्रिक फंक्शन है, पैरामीट्रिक फंक्शन, और पैरामीट्रिक फंक्शन में ये कहा गया है बच्चों कि अगर एक्स टी का फंक्शन है, एक्स जो है हमारा टी का फंक्शन है और वाई भी टी का फंक्शन है, ये एफ टी और इसे चलिए जी टी लिख लेते हैं, जी एफ टी और जी टी, एक्स टी का फंक्शन वाई टी का फंक्शन है, तो फिर आप डीएक्स ओवर डी टी निकाल लीजिए और डीवाई ओवर डी टी निकाल लीजिए और डीवाई ओवर डी टी को डीएक्स ओवर डी टी से डिवाइड कर, यहां पर dx ओवर dt निकाल लिया जाएगा बच्चों और ये dx ओवर dt देगा और ये देगा dy ओवर dt, और ऐसा करने के बाद dy dx निकालने के लिए dy ओवर dt को dx ओवर dt से डिवाइड कर दीजिए, तो नॉर्मल सी बात हुई, बस डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में होना है, लेकिन क्वेश्चन इसमें थोड़े से टिपिकल है और बच्चों इसे बहुत ध्यान से करना है और जल्दी डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा तो अच्छा स्पीड हो जाएगी हम लोगों की। अब क्या करा जाएगा कि एक्स एग्जाम्पल फोर्थ में 10.100 पेज पर एग्जाम्पल फोर्थ में एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में दे रखा है ए की पावर साइन इनवर्स टी, अंडर रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी दे रखा, हम लोग क्या करें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, क्या कर लें स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट खत्म हो गया और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लीजिए, लॉग ले लीजिए दोनों साइडों पर, और लॉग ले लेने के बाद बच्चों ये वाला टू आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से और साइन इनवर्स टी भी आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, और फिर दोनों साइडों को बच्चों टी से, दोनों साइडों को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, दोनों साइडों को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा, और टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए ये होगा कि बच्चों लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 2/x और डीएक्स ओवर डीटी, और ये तो बच्चों टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, इसका लॉग ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, टी से फ्री है, ये बाहर आ जाएगी, ना एक्स है ना टी एक्स में, ये बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, और साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 − t². अब ये आप जरूर पूछेंगे कि ये dx ओवर dt कहां से आ गया, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूं dx ओवर dt कहां से आ गया, अगर आप ये y x का फंक्शन होता था और log y का डिफरेंशिएशन करते थे तो log y का डिफरेंशिएशन होता था 1/y और dy dx, log y का डिफरेंशिएशन क्या होता था बच्चों 1/y dy ओवर dx, अब अगर मैं dy ओवर dt निकालता हूं और x t का फंक्शन है, t के रेस्पेक्ट में log x को डिफरेंशिएट करता हूं, log y को अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या हो जाएगा 1/y dy ओवर dx, मैंने बताया था dy dx और लग जाता है बस, लेकिन शर्त एक है y x का फंक्शन होना चाहिए तभी ऐसा होगा वरना नहीं होगा, y x का फंक्शन होना चाहिए साथ में, और अगर x t का फंक्शन है तो t के फंक्शन होने के साथ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होने के लिए ये हो जाएगा 1/x, और देखिए यहां पर हुआ था dy ओवर dx और हुआ था यहां हो जाएगा dx ओवर dt, ये dx ओवर dt और हो जाएगा, होता क्या है इसमें एक और भी बात होती है बच्चों, ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, इसको पहले आप dy dx x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और dx ओवर dt लगा लेते हैं, ये है मैटर, और dx से dx की वैल्यू कैंसिल होती हुई नजर आती है, कैंसिल नहीं हो रहा, dx से dx की वैल्यू कैंसिल नजर होती हुई आती है और ये dy dt हो जाता है फिर से, बस इतना है, तो ऐसे याद रखिए कि जैसे ये dy dx हुआ वैसे ही यहां dx ओवर dt हो गया, ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ पहले log
एक्स वन अपॉन एक्स और डीएक्स ओवर डीटी और आ गया। तो देखिए डीएक्स ओवर डीटी, जैसे यहां डीवाई डीएक्स आया, मैंने इम्प्लीसिट फंक्शन में आपको बताया था, तो इम्प्लीसिट फंक्शन की तरह से यहां डीएक्स ओवर डीटी और आ गया बच्चों। अब वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी है, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी बच्चों, और इसमें फिर क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली बच्चों, क्या कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद इसमें भी टू आगे आ जाएगा, टू लॉग वाई और कॉस इनवर्स टी आगे लॉग ए, और फिर इसमें भी डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइडों को, तो log y का डिफरेंशिएशन 2 अपॉन y हो जाएगा, और वहां जैसे dx ओवर dt आया यहां dy ओवर dt आ जाएगा, और log a और cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर हो जाएगा। cos इनवर्स t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, sin इनवर्स t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है बच्चों, तो जो वैल्यू है वो डिफरेंशिएशन sin इनवर्स x और cos इनवर्स x के डिफरेंशिएशन को आप जानते होंगे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम लोगों के पास dy ओवर dx निकालना है, हम लोगों के पास dy ओवर dx निकालने के लिए क्या काम करा जाएगा, सेकंड इक्वेशन को ESEK मेरे लिखने का तरीका डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई वन, और ये हो जाएगा 2 अपॉन y dy ओवर dt और होल 2 अपॉन x dx ओवर dt, लेफ्ट लेफ्ट से डिवाइड हुआ, राइट राइट से डिवाइड हुआ। ये मैंने क्वेश्चन को इजी बना दिया, बुक वाले मेथड में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, ये हो जाएगा और दिस 1 माइनस t स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा log a 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर, ये और ये बच्चों कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया बेटा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और 2 से 2 कैंसिल हो जाने के बाद dt से dt कैंसिल नहीं होता, बस ये वैल्यूएस की कैंसिल होती हैं, इसीलिए यहां पर आ जाएगा ये x ऊपर चला जाएगा और बच्चों ये y नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा dy ओवर dx और ये हो जाएगा माइनस का dy ओवर dx, तो dy dx की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस y अपॉन x, और बच्चों यही प्रूफ करना था, dy dx क्या हुआ, ये और ये कैंसिल, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर से 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर कैंसिल, log a से log a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x न्यूमरेटर में चला गया, y डिनोमिनेटर में आ गया, और dt से dt मान लीजिए कैंसिल हो गया, लेकिन कैंसिल नहीं होता, इनकी वैल्यूएं कैंसिल होती हैं, तब ये dy ओवर dx रख गया, dy ओवर dx यहां रख गया और ये y इधर चला गया, x नीचे आ गया, तो बच्चों dy ओवर dx की वैल्यू निकल के आ गई, और dy ओवर dx की वैल्यू यही प्रूफ करनी थी आपको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बच्चों एक्सरसाइज के, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, 3 या 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं इसकी एक्सरसाइज में 10.7 की, देखिए आप ध्यान से। अब हमारे सामने एक्सरसाइज 10.7 का 14 क्वेश्चन है, और इसमें एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन 3 या 4 बहुत अच्छे हैं और एनसीईआरटी के हैं या एग्जाम्पलर के हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के होने के साथ साथ वो बोर्ड में आए हुए भी हैं और वो होते भी आसानी से नहीं है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। देखिए एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y इज इक्वल टू दे रखा है और dy dx निकालना है, तो हमारा काम ये है कि हम dx ओवर d थीटा निकालें, क्या निकालें बच्चों, dx ओवर d थीटा, और 2 cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2 sin थीटा, माइनस आएगा और cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस cos 2 थीटा का 2 sin 2 थीटा, cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin 2 थीटा और 2 into में और आ जाएगा बच्चों, तो ये तो रहा आपका डिफरेंशिएशन।
क्योंकि कॉस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा होता है और टू थीटा का और हो जाएगा टू और आ जाएगा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए और कुछ भी नहीं आएगा, ये सीधे थीटा के रेस्पेक्ट में हो गया, ठीक है। और फिर ऐसे ही वाई, वाई टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा है बच्चों, तो साइन टू थीटा का, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा और साइन टू थीटा का हो जाएगा कॉस टू थीटा और टू थीटा का इंटू में टू और आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, dy ओवर dx निकालेंगे। dy ओवर dx कैसे निकालेंगे, dy ओवर d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा, यानी dy d थीटा को dx ओवर d थीटा से डिवाइड कर दिया। और बच्चों डिवाइड कर देने के बाद देखिए आपके सामने है dy ओवर d थीटा की जो वैल्यू है वो है 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 sin 2 थीटा माइनस 2 sin थीटा, 2 कॉमन होके बच्चों कैंसिल हो गया और ये हो गया cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, और cos c माइनस cos d लगा दीजिए 2 sin c cos d अपॉन 2 sin c माइनस sin d माइनस c अपॉन 2 लगा दिया, मैंने लगा दिया sin d माइनस c अपॉन 2 बच्चों, और नीचे भी साइन सी माइनस साइन डी लगा दीजिए 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 और कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 हो गया। ये फार्मूले लगा दिए और कुछ भी बच्चों मैंने नहीं करा है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये देखिए ये और ये सेम है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, और कैंसिल हो जाने के बाद आपका हो जाएगा dy ओवर dx, dy ओवर dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन 3 थीटा अपॉन 2 अपॉन cos 3 theta upon 2, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा tan 3 theta upon 2, ये आ गया। तो ये भी कोई खास ऐसा नहीं था क्वेश्चन में। और इसके बाद मैं जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बच्चों वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन नंबर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 15th क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन। और ये देखिए ये बोर्ड पे क्या कहता है, पास अब देखिए बोर्ड पर 15th नंबर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये प्रूव करने में थोड़ा सा दिक्कत करता है, वो क्वेश्चन हम आपको सब बता रहे हैं। ये कहते हैं x इक्वल टू e की पावर cos 2t, x इक्वल टू e की पावर cos 2t लिखा हुआ है जब, तो हम लोग ये काम करेंगे बच्चों टेकिंग log ऑन बोथ साइड ले लेंगे, और दोनों साइडों का log लेने के बाद cos 2t आगे आ जाएगा और log e बच्चों 1 हो जाता है, और log e बच्चों जब 1 हो जाता है तो log x is equal to cos 2t हो गया, log x is equal to कितना हो गया cos 2t, और ये dy over dt दोनों साइडों को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। दोनों साइडों को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, dy over dt log x और dy dt cos 2t, तो बच्चों log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x dx ओवर dt। सेम ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं जबकि y x का फंक्शन है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y और dy ओवर dx, 1 अपॉन y dy ओवर dx ये हो जाएगा बच्चों, वन अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, इसमें डी वाई डी एक्स और लगता है जो वाई एक्स, ऐसे यहां पर वाई का काम कौन कर रहा है बच्चों एक्स, और एक्स का काम कौन कर रहा है टी, तो वाई की जगह पर एक्स आ गया डी एक्स ओवर डी टी, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। और डी एक्स ओवर डी टी आ जाने के बाद कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन साइन टू टी, और टू टी का और होगा टू, ये चेन रूल है, लेकिन cos 2t का माइनस साइन 2t होता है बच्चों, और माइनस साइन 2t में ये हो जाएगा माइनस साइन 2t और 2t का हो जाएगा 2 और dx ओवर dt आ गया, x इधर रख दीजिए माइनस 2x साइन 2t, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा y is equal to e की पावर साइन 2t है, टेकिंग log on both side और साइन 2t आगे आ गया और log e 1 हो गया, और यहां log y is equal to sin 2t हो गया। अब आप इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और t के रेस्पेक्ट में log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों जैसे यहां dx ओवर dt आया तो ये बच्चों हो जाएगा dy ओवर dt, dy ओवर dt और 1 अपॉन y, और फिर क्या होगा
ये हो जाएगा 2 cos 2t और dy ओवर dt, और ये बच्चों हो जाएगा 2y cos 2t, ये हो गया। और फिर आप ये काम करिएगा, नाउ dy ओवर dx निकाला जाएगा, और dy ओवर dx बच्चों ऐसे निकलेगा कि dy ओवर dt, dy ओवर dt, और ये हो जाएगा dx ओवर dt। और बच्चों dy ओवर जो dt होगा वो हो जाएगा 2y cos 2t, और ये हो जाएगा माइनस का 2x sin 2t, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और बच्चों ये हो जाएगा माइनस का वाई अपॉन एक्स, और कॉस टू टी की जो वैल्यू है बच्चों वो आप देख लीजिए लॉग एक्स है, कॉस टू टू की वैल्यू लॉग एक्स है, और ये लॉग एक्स हो जाएगा, आप अपनी कॉपी में अगर लिखते चल रहे हो, और साइन टू टी की वैल्यू देखिए वो यहीं पर दिखाई दे रही है, ये log y हो गई, sin 2t की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, log y हो गई, तो ये यहां log y लगा दिया जाएगा बच्चों। तो देखिए हमारा प्रूफ आ गया, कौन से क्वेश्चन का, 15th, माइनस y log x अपॉन x log y, ये आ गया आपके सामने, कहां से आया, cos 2t पहले छोड़ाए हैं, आपकी कॉपी पर चल रहा होगा, log x और sin 2t कितना हो गया, log y हो गया बच्चों। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों इसमें एक्सरसाइज में। और इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन ये सोच रहा हूं कि ये जरूर करा दिया जाए, हो सकता है आपसे ना हो, 24 वाला, और बोर्ड पे देखिए 24 वाला क्वेश्चन कैसे होगा, 24 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों एक्सरसाइज का मैंने कहा था, आप 24 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, एक्सरसाइज का 24 क्वेश्चन है, ए साइन 2t और ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस 2t, ए साइन 2t और ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस 2t। इसमें क्या होगा बच्चों, t के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये a तो बाहर हो गया, और बच्चों फर्स्ट फंक्शन साइन 2t और सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉस 2t का डिफरेंशिएशन प्लस 1 प्लस कॉस 2t और साइन 2t का डिफरेंशिएशन, और तब बच्चों ये हो जाएगा प्लस a, ये हो गया आपका a, ए भी है इसमें साथ में चल रहा, तो ये दोनों में लगेगा, अब ए दोनों में लगेगा वो तो बात की बात है, वन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो और cos 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2t और 2t का और आएगा टू और आएगा, और ए वन प्लस cos 2t बच्चों, और ये साइन 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू cos 2t, साइन 2t का cos 2t और 2t का टू और आ जाएगा। अब बच्चों ए कॉमन हो जाएगा और साइन 2 भी कॉमन कर लिया, ये 2 देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन हो गया, 2a कॉमन, और sin 2t की sin 2t में मल्टीप्लाई माइनस sin स्क्वायर 2t हो गया, और cos 2t की 1 में मल्टीप्लाई cos 2t और cos 2t की cos 2t में मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 2t हो गया बच्चों, क्या हो गया cos स्क्वायर 2t, और cos स्क्वायर 2t माइनस sin स्क्वायर 2t प्लस cos 2t, cos स्क्वायर 2t माइनस sin स्क्वायर 2t, ये दोनों मिलके हो गए आपके cos 4t, हाफ एंगल फार्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा, और प्लस cos 2t आ गया, ये हमारे सामने हो गया बच्चों dx ओवर dt, और dx ओवर dt हो जाने के बाद ये आ गया आपका 2a cos 4t प्लस cos 2t, ये हो गया बच्चों, ये आ गया, और ये हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, dy ओवर dt निकालेंगे, और dy ओवर dt निकालने के लिए देखिए क्या काम किया जाएगा, y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू बच्चों दे रखी है, ये मैं आपको पूरा क्वेश्चन यहां पर भी बता रहा हूं, ये y इक्वल टू cos 2t और 1 माइनस cos 2t, ये ठीक है बच्चों, ये b बाहर है, और अब dy ओवर हम लोग dt निकालेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन है ये भी, ये b हो गया और ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया, ये हो गया आपका cos 2t dy ओवर dt 1 माइनस cos 2t और ये हो गया 1 माइनस cos 2t
डी वाई ओवर डी टी कॉस टू टी आ गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन। मैंने अब की बार बी बाहर रखा है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब बस इसमें कुछ भी नहीं है, ये हो जाएगा बच्चों बी और ये हो जाएगा कॉस टू टी और वन का जीरो और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू साइन टू टी। ठीक है बच्चों, ये क्या है वन का जीरो कॉस टू टी का माइनस साइन टू माइनस माइनस प्लस और टू टी का टू और आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का वन माइनस कॉस टू टी और कॉस टू टी का हो जाएगा बच्चों टू साइन टू टी और माइनस हो जाएगा यहां पर आ जाएगा बच्चों माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन टू टी होता है और टू टी का टू और हो जाएगा। तो बच्चों ये फिर हमारे सामने हो गया बी टू साइन टू टी कॉस टू टी और माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस माइनस का टू साइन टू टी और माइनस माइनस प्लस टू साइन टू टी कॉस टू टी हो गया बच्चों। ये आ गया, इतना आ जाने के बाद बच्चों ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का साइन टू टी हो गया माइनस माइनस प्लस टू साइन टू टी कॉस टू टी हो गया। ये बोर्ड पर आपके सामने है और बच्चों ये बी और ये फार्मूला है साइन फोर टी का हाफ एंगल और ये माइनस टू साइन टू टी और प्लस का साइन फोर टी ये हो गया और साइन फोर टी और साइन फोर टी मिलाते हो गए बच्चों टू साइन 40 और माइनस का 2 साइन 2t। अब आप के सामने दोनों हैं, देखिए dx ओवर dt है और dy ओवर dt है, dy ओवर dt को dx ओवर dt से डिवाइड कर दीजिए और t की वैल्यू पाई बाई 4 लगा दीजिए, देखें आता है या नहीं आता है, आना होगा तो आएगा नहीं आना होगा तो भी आएगा। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं आएगा। तो बच्चों देखिए इसमें ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, ये हो जाएगा बच्चों नौ, डीवाई ओवर डी एक्स और डीवाई ओवर डी टी ये हो जाएगा टू कॉमन होके टू बी साइन फोर टी माइनस साइन टू टी। अब ये कई बार बात हो चुकी, बार बार नहीं लिखेंगे कि ये डीवाई ओवर डी टी है अपॉन डी एक्स ओवर डी टी है, ये सब नहीं लिखा जाएगा। सही है बच्चों, ये हो गया टू टी टू ए कॉस फोर टी प्लस कॉस टू टी, आ गया टू से टू कैंसिल और ये बी अपॉन ए हो गया बच्चों। और ये हो जाने के बाद ये आप डीवाई ओवर डीएक्स एट टी इक्वल टू पाई बाई फोर लगा दीजिए, टी इक्वल टू पाई बाई फोर तो बच्चों ये हो जाएगा पाई माइनस साइन पाई बाई टू और ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस कॉस पाई बाई। अब देखते हैं आता नहीं आता, देखिए यहां पर टी पाई बाई फोर लगाया, फोर से फोर कैंसिल तो पाई हो गया, पाई बाई टू लगाया तो पाई बाई फोर लगाया तो टू से टू फोर कैंसिल तो पाई बाई टू आ गया, यहां पाई बाई फोर तो पाई आ गया बच्चों और यहां पाई बाई फोर लगाया तो ये पाई बाई टू हो गया और ये हो गया बी अपॉन ए और साइन पाई जीरो होता है और साइन पाई बाई टू वन होता है और कॉस पाई माइनस वन और कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, कॉस पाई की वैल्यू निकाल लीजिए माइनस वन आती है। तो बच्चों ये आ गया आपका बी अपॉन ए माइनस वन अपॉन माइनस वन, ये हो गया बी अपॉन ए, यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है, बी अपॉन ए डीवाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाई फोर पर। अगर आपको कुछ पूछना हुआ करे तो आप लोग मुझे फोन पर पूछा करिए, ये बहुत जरूरी है बच्चों और वैसे मैं सबसे बात करने वाला हूं अब आप लोगों से। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर सकते हैं सारे और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपके पास कल, वो भी अच्छा टॉपिक है और जल्दी ये डिफरेंशिएशन खत्म कराएंगे तो फिर सब चीजें डिफरेंशिएशन पर डिपेंड है तो वो आगे वाले पोर्शन जल्दी जल्दी होने लगेंगे
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।